प्रिय विद्यार्थियों, आज सामाजिक विज्ञान की कक्षा में मैं डॉक्टर उमेश कुमार वाजपेयी आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग सामाजिक विज्ञान विषय के उप विषय इतिहास के द्वितीय अध्याय भारत में राष्ट्रवाद के प्रथम भाग का अध्ययन करेंगे। बच्चों, अध्ययन की दृष्टि से हमने इसको तीन भागों में बांटा है, जिसका प्रथम भाग आज हम लोग अध्ययन करेंगे। आइए चलते हैं, आगे देखते हैं। बच्चों, आज के जो शिक्षण बिंदु हैं वह पहले आपको परिचय कराएंगे और प्रथम विश्व युद्ध का जो प्रभाव है उसे हम जानेंगे, गांधी जी एवं उनके सत्याग्रह के विषय में हम जानेंगे, रॉलेट अधिनियम एवं खिलाफत आंदोलन के विषय में हम जानेंगे। आज के जो शिक्षण उद्देश्य हैं वह है प्रथम विश्व युद्ध द्वारा भारत में सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक जीवन पर डाले गए प्रभावों का अध्ययन हम करेंगे। दूसरे उद्देश्य में महात्मा गांधी जी और उनके द्वारा जो सत्याग्रह आंदोलन चलाया गया उसका ज्ञान हम प्राप्त करेंगे और महात्मा गांधी जी के द्वारा भारत में जो विभिन्न स्वतंत्रता आंदोलन चलाए गए उनके विषय में भी हम अध्ययन करेंगे। खिलाफत आंदोलन के महत्व को हम समझ सकेंगे। रॉलेट अधिनियम जैसे काले कानून के विषय में भी हम अध्ययन करेंगे। बच्चों, प्रश्न उठता है कि राष्ट्रवाद किसे कहते हैं। आपने इससे पिछले अध्याय में पढ़ा होगा कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, उसमें विस्तृत रूप से आपको समझाया गया था कि किस प्रकार यूरोप में राष्ट्रवाद उत्पन्न हुआ। तो आज हम इसको संक्षेप में लेते हैं, राष्ट्रवाद किसे कहते हैं। बच्चों, राष्ट्रवाद वह भावना होती है जो संपूर्ण देश को एकजुट कर देती है, जबकि लोगों के धर्म, भाषा, उनकी बोलियां, उनका खानपान, उनका निवास क्षेत्र, उनका पहनावा, उनकी संस्कृति, उनकी सभ्यताएं भिन्न भिन्न होती हैं। लेकिन जब कभी देश का कोई मुद्दा बनता है, देश में कोई आपत्ति आती है, कोई समस्या आती है, तो उस समय संपूर्ण देश एक सुर में बोलता है और इसी को राष्ट्रवाद कहा जाता है। बच्चों, राष्ट्रवाद देश के समस्त नागरिकों के विचारों का एक सामूहिकरण है, उन्हें देश के प्रति समर्पण का जो बोध कराता है। बच्चों, एक उदाहरण है कि भारत में विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी रहते हैं, जिनके खानपान, जिनके त्योहार, जिनकी भाषा, जिनका पहनावा सभी कुछ भिन्न है, लेकिन इतने के बाद भी वो सब अपने को भारतीय कहते हैं। कोई ये नहीं कहता कि हम उत्तर प्रदेश के हैं या हम पंजाब के हैं। जब कहीं बाहर जाते हैं तो हम कहते हैं कि हम भारतीय हैं। बच्चों, सभी के लिए यह विचारधारा कि राष्ट्र सर्वोपरि है, राष्ट्र से बढ़कर कुछ भी नहीं, यह राष्ट्रवाद का ही प्रतीक है। बच्चों, भारत में राष्ट्रवाद के उदय में ब्रिटिश उपनिवेशवाद एक प्रमुख कारक था। अब हम यहां जानते हैं कि ब्रिटिश उपनिवेशवाद क्या है। बच्चों, उपनिवेशवाद एक साम्राज्यवाद का आर्थिक स्वरूप होता है, अर्थात जब हम साम्राज्यवाद के चक्कर में अपने देश की सीमाओं को फैलाना प्रारंभ करते हैं तो उसे साम्राज्यवाद कहते हैं, लेकिन जब ये आर्थिक संपन्नता के लिए किया जाए तो उसे कहते हैं उपनिवेशवाद। अंग्रेजों ने यही किया। बच्चों, 16वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी बनाई और वो इंग्लैंड से चले हमारे देश की ओर, एशिया महाद्वीप की तरफ व्यापार करने के उद्देश्य से, और यह उनका उपनिवेशवाद था, अर्थात भारत को उन्होंने अपना उपनिवेश बनाया। आगे हम देखते हैं कि जो राष्ट्रवाद के उदय में केवल उपनिवेशवाद कारण नहीं था, और भी कई कारण हैं। 18वीं शताब्दी के कुछ धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन भी चले, जिनका भी राष्ट्रवाद के उत्पत्ति में अमूल चूक योगदान रहा है। जैसे ब्रह्म समाज था, जिसने सती प्रथा का अंत किया, जैसे आर्य समाज था, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने वेदों की ओर लौटो नारा दिया और हमारे हिंदी हिंदू के बारे में, हमारे वेदों के बारे में, हमारी जो आर्य परंपरा है उसके बारे में उन्होंने बताया, ज्ञान कराया। थियोसॉफिकल समाज था, एनी बेसेंट और तिलक जी के द्वारा स्थापित था, जिन्होंने समाज में फैली हुई बुराइयों को, छुआछूत को खत्म करने की वकालत की। रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण परमहंस थे, उनके परम प्रिय शिष्य स्वामी विवेकानंद जी थे, जिन्होंने मानवतावाद का पाठ पढ़ाया और सबसे बड़ा धर्म मानव धर्म समझाया।
आदि सभी ने हमारे जो है राष्ट्रवाद की उत्पत्ति में योगदान दिया। और समाज में जैसी जो बुराइयां थीं, जो हमारे समाज को तोड़ रही थीं, कमजोर कर रही थीं, उन्हें समाप्त करने की वकालत की। बच्चों, अंग्रेजों के आगमन से पूर्व हमारा जो देश था उसे सोने की चिड़िया कहा जाता था। सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था? क्योंकि हम इतने संपन्न थे, हमारे पास धन धान्य की संपन्नता की कमी नहीं थी। और यह बात दूर देश में बैठे हुए जो अंग्रेज थे उन्हें पता चल गई। उन्होंने हमारे ऊपर कुदृष्टि डाली और व्यापार करने के उद्देश्य से हमारे देश में उन्होंने प्रवेश किया। बच्चों, व्यापारिक उद्देश्य से प्रवेश तो किया, लेकिन धीमे धीमे वो यहाँ के राजा बन गए, यहाँ के जो है रक्षक की जगह भक्षक बन गए। आगे हम देखते हैं कि अंग्रेजों ने 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध लड़ा, और प्लासी का युद्ध लड़ने से ही उन्होंने क्या किया, बंगाल पर अधिकार कर लिया। बंगाल उस समय बहुत समृद्ध था बच्चों, तो उन्होंने बंगाल पर अधिकार कर लिया। और 1764 में वर्तमान जो बिहार है वहां एक स्थान है बक्सर, बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजों ने क्या किया कि दिल्ली की सत्ता हथिया ली, और वहां से धीमे धीमे करके वो हमारे देश के राजा बनते चले गए। बच्चों, आगे हम देखते हैं कि इसके बाद अंग्रेजों ने क्या किया, हमारे जो आपसी झगड़े थे, हमारी जो आपसी छोटी मोटी लड़ाइयां थी, उसका उन्होंने फायदा उठाया, और फायदा उठाकर फूट डालो और राज्य करो की नीति पर आगे चले। उन्होंने हमें न केवल गुलाम बनाया, बल्कि हमारा शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक सभी प्रकार से शोषण किया। बच्चों, जब पूरा देश अंग्रेजों के अत्याचारों से त्राहि त्राहि कर रहा था, तब राजा राममोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दादा भाई नौरोजी, स्वामी विवेकानंद जी, दयानंद सरस्वती जैसी अनेक विभूतियों ने आगे आकर के हम लोगों को छुआछूत, जाति पात, सती प्रथा, पर्दा प्रथा, बाल विवाह आदि जैसी बुराइयों से दूर रहने के लिए हमें प्रोत्साहित किया। और यही बुराइयां थीं जो हमारे भारतीय समाज को खंड खंड में विभाजित करके रखा था। बच्चों, एक और बुराई थी कि हमारे समाज में पुरुषों के बराबर महिलाओं को सम्मान प्राप्त नहीं था। तो इन जो महान विभूतियों ने क्या किया, हमारे अंदर राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न करने के लिए प्रेरित किया हमें, क्योंकि बिना इन बुराइयों के त्याग के हम आगे नहीं बढ़ सकते थे। इस प्रकार देश में हमारे राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हुई। आगे चलते हैं। बच्चों, प्रथम विश्व युद्ध, आप सबको पता है कि 1914 से लेकर 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला। दो विश्व युद्ध अब तक हो चुके हैं, और प्रथम विश्व युद्ध का जो प्रभाव था उसमें संपूर्ण विश्व पर प्रभाव पड़ा था, आर्थिक प्रभाव, सामाजिक प्रभाव, राजनीतिक प्रभाव। तो हमें आज इसके बारे में जानना है कि उनके हमारे जीवन पर, हमारे भारत पर क्या प्रभाव पड़े थे, उसके बारे में हम समझते हैं। इस समय हमारे देश में क्या था, अंग्रेजों का शासन था और हम गुलाम थे। तो गुलामी के दिनों में अंग्रेज हमारे ऊपर शासन करने के लिए अपनी सेनाएं भी रखते थे, लेकिन बच्चों, वो जो सेनाएं थीं वो अंग्रेजों के खर्चे से नहीं थीं, वो सेनाएं हमारे आपके खर्चे से थीं। उन सेनाओं को जो धन दिया जाता था, वेतन दिया जाता था, वो हम भारतीयों से वसूल किया जाता था। तो आप समझिए, जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो उनके सेना का रखने का जो खर्चा था, रख रखाव था, उसमें वृद्धि हुई। जब सेना के व्यय में वृद्धि हुई तो निश्चित रूप से उसकी भरपाई कहां से करेंगे, भारतीयों से ही करेंगे। तो उन्होंने दूसरा कदम क्या उठाया, बड़े पैमाने पर ऋण लिए। अब जब उन्होंने जो लोन लिया उसे अदा भी करना होगा, तो अदा करने के लिए भी भरपाई कहां से करेंगे, हम भारतीयों से करेंगे। अगला कदम क्या किया, करों में उन्होंने अत्यधिक वृद्धि कर दी। जो कर 50% थे उन्हें 100% पहुंचाया, जो 100% थे उन्हें 150% पहुंचाया। तो अत्यधिक करों के कारण हमारा जो जीवन था वो बिल्कुल नर्क बन चुका था। बच्चों, एक और उन्होंने नया काम शुरू किया कि हमारी जो आय होती थी थोड़ी बहुत, उस पर भी उन्होंने आयकर लगा दिया। उपयोगी जो वस्तुएं थी उनकी कीमतें दोगुनी हो गई। क्यों? जब विश्व युद्ध हुआ तो वस्तुएं महंगी हुई, खाद्यान्न संकट आया, अकाल पड़ा, वस्तुओं की कमी हुई, उत्पादन की कमी हुई। तो ऐसे में क्या होगा कि वस्तुएं महंगी हो जाएंगी और उनकी कीमत दोगुनी हुई, जिसका हमारे जीवन पर अत्यंत बुरा प्रभाव पड़ा। बच्चों, युद्ध के लिए सैनिकों की आवश्यकता पड़ रही थी, तो जब सैनिकों की आवश्यकता पड़ रही थी तो ऐसे में वह
इंग्लैंड से तो लोगों को लेके आएंगे नहीं, और अगर लेके आते तो वह उनका धन ज्यादा खर्च होता, अधिक उन्हें तनख्वाह देनी पड़ती। तो उन्होंने क्या किया, सैनिकों को तो चूंकि मरना था तो मरने के लिए उन्हें भारतीयों से प्रेम तो था नहीं, तो उन्होंने भारतीयों को जो हमारे भोले भाले ग्रामीण थे, कृषक थे, मजदूर थे, उन्हें सेना में जबरन भर्ती करना उन्होंने प्रारंभ कर दिया। बच्चों, इसका बहुत विरोध हुआ समाज में, लेकिन अंग्रेज माने नहीं, उन्होंने जबरन पकड़ पकड़ कर सेना में भर्ती किया, तो जिससे कि बहुत असंतोष फैला। औपनिवेशिक सरकार के प्रति उपरोक्त सभी कारणों से हम भारतीयों के मन में अत्यंत असंतोष था। आगे देखिए कि जो खाद्य पदार्थ थे उनका अभाव उत्पन्न हुआ। पहले तो यह था कि खाद्य संकट हुआ, अकाल पड़ा, वस्तुएं महंगी हुई, कीमतें दोगुनी हो गई, लेकिन फिर क्या हुआ, अभाव उत्पन्न हुआ, मतलब बिल्कुल भूखों मरने लगे लोग। आगे देखते हैं, यह प्रथम विश्व युद्ध का एक चित्र है। आप देखिए कितना बड़ी सेना में टैंकों के साथ सैनिक प्रस्थान कर रहे हैं। आगे चलते हैं हम लोग। बच्चों, एक प्रश्न यहां पर हम लोग आपस में बात कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं, जो पढ़ा है उसमें अभी क्या सीखा उस पर आपका ध्यान आकर्षित कराते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के प्रभावों ने भारतीयों के मन में राष्ट्रवाद की उत्पत्ति किस प्रकार योगदान दिया, हम आपको बताते हैं। आप भी सोचिए, देखिए, प्रथम विश्व युद्ध में अभी आपने पढ़ा कि हमारे ऊपर क्या हुआ, जो सैन्य खर्च था अंग्रेजों का वो बढ़ गया। उसका प्रभाव क्या पड़ा कि जब सैन्य खर्च बढ़ा तो उन्होंने लोन लिया, लोन लेने से क्या हुआ, उन्होंने हमारे ऊपर कर जो है अत्यधिक बढ़ा दिए, खाद्यान्न संकट उत्पन्न हुआ, वस्तुओं की कमी पड़ गई, कीमतें दोगुनी हो गई, हम लोगों को जबरन क्या किया, सेना में भर्ती किया जाने लगा। इससे क्या हुआ, हमारे मन में असंतोष उत्पन्न हुआ। तो उस समय हमने जाति पात, छुआछूत, भेदभाव, ऊंच नीच, अमीर गरीब सब भुला दिया, और सब भुलाने के बाद केवल एक लक्ष्य था हमारा कि हमें अंग्रेजों से लोहा लेना है, अंग्रेजों की गलत नीतियों का विरोध करना है, इनको देश से भगाना है, और यही राष्ट्रवाद की भावना थी बच्चों जो उत्पन्न हुई। आगे देखते हैं बच्चों, एक चित्र है, अभी हमने जाना प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव के विषय में, अब हम देखते हैं कि गांधी जी और सत्याग्रह। गांधी जी का हमारे जीवन में जब प्रादुर्भाव हुआ हमारे इस स्वतंत्रता संग्राम में, तो कैसे हुआ उसके विषय में समझते हैं। सत्याग्रह, बच्चों, ये जो शब्द है सत्याग्रह, इसके और अहिंसा के दम पर महात्मा गांधी जी को पूरे विश्व में नमन किया जाता है। सत्याग्रह क्या होता है, अहिंसा पर आधारित सत्य के लिए किया गया संघर्ष ही सत्याग्रह है। अर्थात हम सत्य तो स्वीकार करें लेकिन उसमें हिंसा ना हो, कोई दबाव ना हो। अर्थात आपसे अगर आग्रह करना है, अपनी बात कहना है, किसी का विरोध करना है, अंग्रेजों का विरोध करना है, तो हमें हिंसा नहीं करनी, हमें क्या करना है, अहिंसा के द्वारा उसको जीतना है और अपना आग्रह करना है। यही जो आग्रह है जो अहिंसा से होता है उसे सत्याग्रह कहा गांधी जी ने। आगे देखते हैं, गांधी दर्शन के दो स्तंभ, एक है सत्य और दूसरा है अहिंसा। अर्थात गांधी जी कहते थे कि हमारा कार्य बिगड़ भले जाए लेकिन हम असत्य नहीं बोलेंगे। अर्थात अगर कोई उद्देश्य हमें प्राप्त करना है तो जितना उद्देश्य हमारा सत्य होगा, पवित्र होगा, उसके लिए जो साधन होंगे वो भी उतने ही सत्य और पवित्र होंगे। और अहिंसा मतलब हिंसा ना करना, नेत्र हिंसा, मुख हिंसा, वाणी हिंसा, या किसी को मारना, किसी भी प्रकार की हिंसा से गांधी जी परहेज करते थे। निष्क्रिय प्रतिरोध क्या था, गांधी जी ने इसे दुर्बलों का हथियार कहा। बच्चों, निष्क्रिय प्रतिरोध का तात्पर्य है, गांधी जी का कहना था कि अगर कोई आपको पीड़ा देता है तो बदले में आप भी उसको पीड़ा दें, ये आपकी कमजोरी है, ये कायरता है। गांधी जी कहते थे कि उसने तो पीड़ा आपको दी लेकिन आप उसको पीड़ा मत दीजिए, और इसी को निष्क्रिय प्रतिरोध कहते थे कि आपने उसने पीड़ा दी, आपने बदले में उसको पीड़ा दे दी, आप शांत हो गए। बोले नहीं, यह कायरों का अस्त्र है। तो फिर क्या हुआ, सक्रिय प्रतिरोध एक शब्द दिया उन्होंने। जो सक्रिय प्रतिरोध है उसके अंदर क्या होता था, गांधी जी कहते थे कि सक्रिय प्रतिरोध के द्वारा शत्रु को प्रेम के द्वारा, करुणा के द्वारा, दया के द्वारा, सत्य के द्वारा जीता जाता है। अर्थात सत्य के द्वारा, प्रेम के द्वारा,
जो बुरा व्यक्ति है, जिसका दूषित मन है, उसके मन से बुरे विचार हटा करके उसे सही मार्ग पर लाना, यही सक्रिय प्रतिरोध है और यह बलवानों का अस्त्र है। तो आगे देखते हैं, फिर हम लोग आपस में चर्चा कर लेते हैं। अभी हम लोगों ने सत्याग्रह के विषय में पढ़ा। बच्चों, गांधी जी के सत्याग्रह में सक्रिय प्रतिरोध को आप किस प्रकार स्पष्ट करेंगे? बिल्कुल सही, अभी आपको हमने बताया कि सक्रिय प्रतिरोध का तात्पर्य है कि यदि कोई आपके साथ अन्याय करता है तो आप उसके साथ अन्याय नहीं करेंगे, बल्कि उसको सत्य के द्वारा, प्रेम के द्वारा, दया के द्वारा यह आभास कराएंगे कि नहीं, आप गलत हैं, और उसको गलत को स्वीकार कराएंगे। यही सक्रिय प्रतिरोध है और यह बलवानों का अस्त्र है, आपको बलवान बनाएगा। आगे देखते हैं बच्चों, गांधी युग का प्रारंभ। गांधी युग, जैसा कि हम जानते हैं, 1919 से लेकर और 1947 का जो कालखंड था, उसे इतिहास में गांधी युग कहा जाता है। कैसे प्रादुर्भाव हुआ बच्चों? गांधी जी का भारत आगमन जनवरी 1915, कहां से आगमन हुआ आपके मन में प्रश्न होगा? दक्षिण अफ्रीका से। दक्षिण अफ्रीका गांधी जी का देश तो नहीं था, गांधी जी तो भारत के हैं, गुजरात में इनका जन्म हुआ। जब यह अपनी कानून की पढ़ाई पढ़ करके इंग्लैंड से वापस लौटे तो इनके एक मित्र थे जो व्यवसायी थे दक्षिण अफ्रीका में, वहां उन्होंने कहा गांधी जी से कि गांधी जी आप आइए अफ्रीका और हमारे जो मुकदमे हैं उनको देखिए, और यहाँ नस्ल भेद बहुत ज्यादा है, उसके संबंध में भी आप कुछ देखिए। बच्चों, दक्षिण अफ्रीका में नस्ल भेद अंग्रेजों के द्वारा बहुत अधिक फैलाया गया था। नस्ल भेद क्या होता है? गोरे लोग स्वयं को अच्छी नस्ल का मानते थे और जो काले लोग थे उनको जो है हीन मानते थे। जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए तो वो एक रेलगाड़ी में प्रथम श्रेणी के डिब्बे में यात्रा कर रहे थे। बच्चों, अंग्रेजों ने उनको डिब्बे से उतार दिया और उतार करके उनको अपमानित किया। गांधी जी ने उसी दिन यह ठान लिया कि हम किसी भी कीमत पर यहां से नस्ल भेद मिटा करके रहेंगे। एक और वहां पर फरमान था कि जो भी एशिया महाद्वीप के लोग थे या जो भारतीय थे उनको एक अपना पहचान पत्र गले में टांग करके प्रतिक्षण टांग के चलना होता था, तो जो कोई नहीं टांगता था उसको जेल में डाल दिया जाता था। गांधी जी ने इसका भी प्रबल विरोध किया। गांधी जी ने वहां अपना क्या किया, फिनिक्स आश्रम बनाया और अपने अनुयायियों को एकत्र किया, और धीमे धीमे उन्होंने क्या किया कि रस्किन के, थोरो के ग्रंथों को पढ़ा और गीता को पढ़ा, पढ़ करके उन्होंने सत्य और अहिंसा के विषय में आधारभूत तत्वों को खोजा, और अंत में उन्होंने यह निश्चय किया कि नहीं, अब हम सत्याग्रह करेंगे। बच्चों, उसी सत्याग्रह के दम पर गांधी जी को आज पूरा विश्व नमन करता है, और उन्होंने पहला प्रयोग 1906 में अफ्रीका में किया और विजय पाई। जब गांधी जी जनवरी 1915 में भारत आए तो उन्होंने साबरमती आश्रम के नाम से गुजरात में अपना आश्रम स्थापित किया और अपने अनुयायियों को आगे चलने के लिए प्रेरित किया। बच्चों, चंपारण सत्याग्रह गांधी जी का भारत में किया गया यह प्रथम सत्याग्रह है। इसमें क्या हुआ कि चंपारण बिहार में एक जगह है जहां पर, जहां के किसान चावल की खेती आदि करना चाहते थे, लेकिन उन्हें अंग्रेज बागान मालिक जो थे वो नील की खेती जबरन करने के लिए बाध्य करते थे। एक तिनकटिया पद्धत चलती थी कि अपनी भूमि के 3/20 हिस्से में किसी कीमत पर जो है वो नील की खेती करनी ही करनी है। तो बच्चों, इस बात का विरोध वहां के किसान कर रहे थे। वहां के एक कृषक समुदाय के मुखिया थे राजकुमार शुक्ला जी, वो 1916 में गांधी जी से लखनऊ में मिले। उन्होंने गांधी जी से आग्रह किया कि आप आइए और चंपारण में आकर के हमारे किसानों को बचाइए। गांधी जी 1917 में चंपारण गए, वहां इन्होंने जाकर के और सत्याग्रह करने की धमकी दी। वहां के प्रशासन ने गांधी जी को कहा कि आप यहां से जाइए, लेकिन गांधी जी नहीं माने, उन्होंने कहा हम सत्याग्रह करेंगे। अंत में वहां की सरकार को झुकना पड़ा और गांधी जी की जो सत्याग्रह की बात थी वो सफल सिद्ध हुई। आगे चल के हम देखते हैं बच्चों, इसी क्रम में 1918 में गुजरात में एक स्थान है खेड़ा। खेड़ा एक गांव था जहां की प्लेग की वजह से, अकाल की वजह से लोग जो है बहुत परेशान थे और अपनी जो वो थी लगान थी वो देने में अक्षम थे। लेकिन हुआ क्या, वहां के जो जमींदार थे, वहां के जो कृषक थे, वो उनमें आपस में द्वंद्व शुरू हुआ, क्योंकि वहां लगान अत्यधिक बढ़ा दी गई थी जबकि किसान देने की स्थिति में नहीं थे। तो वहां के कृषकों ने आग्रह किया गांधी जी से कि आप हमारा ये जो है सत्याग्रह करें। गांधी जी ने खेड़ा सत्याग्रह के नाम से 1918 में अपनी भूख हड़ताल शुरू की,
जिसके समक्ष वहाँ जो है वहाँ के जमींदारों ने, जो हमारा अंग्रेज वर्ग था, उन्होंने घुटने टेके और गांधी जी का प्रथम सफल सत्याग्रह 1918 का खेड़ा सत्याग्रह माना जाता है। बच्चों, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, ये देखिए खेड़ा सत्याग्रह का चित्र है आपके समक्ष, और ये है अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन जब कर रहे थे गांधी जी, उनका नेतृत्व कर रहे थे, तो उसका चित्र है अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। बच्चों, प्लेग फैलने के बाद जो वहां के मजदूर थे वो अपना बोनस मांग रहे थे, और बोनस देने में जो मिल के मालिक थे वो आनाकानी कर रहे थे, वो बोनस नहीं दे रहे थे। ऐसे में गांधी जी ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया और नेतृत्व करने में उन्होंने सफलता पाई। एक न्यायाधिकरण गठित किया गया जिसने मजदूरों के पक्ष में निर्णय लिया और अंत में उन्हें बोनस प्रदान किया गया, और यह आंदोलन भी गांधी जी का सफल हुआ। आगे चलते हैं बच्चों, रॉलेट अधिनियम का विरोध 1919। रॉलेट अधिनियम क्या था बच्चों? 1917 में अंग्रेज सरकार ने क्या किया कि भारत में जो हमारे मन में अंग्रेजों के प्रति एक बहुत बुरा असंतोष उत्पन्न हो रहा था, क्रांतिकारी गतिविधियां बढ़ रही थीं, ये जो चीजें बढ़ रही थीं, इसका आकलन करने के लिए कि किस स्तर पर भारतीयों में हमारे प्रति बहुत ज्यादा असंतोष है, उसका पता लगाने के लिए, और इसलिए उन्होंने एक कानून बना दिया जिसे रॉलेट कानून बनाया कहा गया, और यह अधिनियम केंद्रीय विधानसभा में बिना हमारी मर्जी के पारित कर दिया गया। बच्चों, यह अधिनियम ऐसा था जिसके अंतर्गत किसी भी भारतीय व्यक्ति को बिना उसका कारण बताए जबरदस्ती जेल में डाल दिया जाता था, उसे अपनी बात कहने का अधिकार नहीं था, अपना वकील करने का अधिकार नहीं था, अपनी अपील करने का अधिकार नहीं था, इसीलिए गांधी जी ने इस कानून को काला कानून की संज्ञा दी और इसे राष्ट्रव्यापी एक आंदोलन बना दिया, इसका विरोध शुरू हुआ। बच्चों, इसे बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून कहा गया। गांधी जी जिस समय दिल्ली में प्रवेश करना चाह रहे थे, यह घटना है 9 अप्रैल 1919 के आसपास की, और गांधी जी को कैद कर लिया गया, ले जाकर के मुंबई अंग्रेजों ने छोड़ा। उसी समय पंजाब में सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल, दो वहां के नेता थे, वह भी वहां विरोध कर रहे थे, उनको भी उठा के कारागार में डाल दिया था। आंदोलन पूरी तरीके से हिंसा का रूप लेता जा रहा था, अंग्रेज दमनकारी नीतियां अपना रहे थे। ऐसे में अमृतसर में क्या हुआ कि 10 अप्रैल के दिन सभी क्रांतिकारियों ने, आंदोलनकारियों ने शांतिपूर्ण तरीके से सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को छुड़ाने के उद्देश्य से और रॉलेट एक्ट के विरोध स्वरूप सभा का आयोजन किया जा रहा था। इतने में अमृतसर का जो जनरल डायर था, वो सैन्य अधिकारी था वहां का, उसने सेना बुला ली, और 13 अप्रैल के दिन जिस समय जलियांवाला बाग नामक स्थान पर हजारों की संख्या में निहत्थे बच्चे, महिलाएं और पुरुष एकत्रित थे, उस समय जनरल डायर ने भीषण तरीके से गोली चलवाई और हजारों लोगों की अकाल मृत्यु हुई। इस नरसंहार का पूरे विश्व ने प्रबल विरोध किया, लेकिन जनरल डायर को अंग्रेजों ने इंग्लैंड में पुरस्कृत किया। बच्चों, आगे देखते हैं, इस घटना को ही जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं खिलाफत आंदोलन 1919 से 1922। बच्चों, खिलाफत आंदोलन क्या था? जिस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, तो जो तुर्की था, तुर्की का खलीफा जो था, उसे समस्त विश्व के जो मुसलमान थे वो अपना मुखिया मानते थे। तो जो अंग्रेज थे, उन्होंने यह आश्वासन दिया था कि अगर हम युद्ध जीत जाते हैं तो हम तुर्की को किसी भी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन हुआ ऐसा नहीं। जब अंग्रेज अपना विश्व युद्ध खत्म हुआ, तो उन्होंने तुर्की के विघटन की का षड्यंत्र रचा और तुर्की का विघटन कर दिया। सेवर्स की संधि के बाद तुर्की का विघटन हो चुका था। ऐसे में जो भारतीय मुसलमान थे, मोहम्मद अली, शौकत अली, इन सबके मन में बहुत ज्यादा आक्रोश हुआ और उन्होंने अंग्रेजों की खिलाफत करने का निर्णय लिया। अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की बैठक 24 नवंबर 1919 को दिल्ली में हुई, और जो हमारे खिलाफत आंदोलन के मुखिया थे मोहम्मद अली, शौकत अली, उन्होंने गांधी जी से आग्रह किया कि आप इसका नेतृत्व करें। गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम एकता का यह सुनहरा अवसर जाना और इसको लेकर के उन्होंने दिल्ली में इसका अध्यक्षीय कार्य स्वीकार किया। अब जो खिलाफत आंदोलन था वो एक तरीके से गांधी जी के रास्ते पर चल पड़ा था। गांधी जी ने कहा कि आप हमारे साथ आ जाइए, हम लोग एक बड़ा आंदोलन अंग्रेजों के विरुद्ध छेड़ते हैं। ये देखिए, इसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका आप समन्वय देख रहे होंगे, तो यह एक एकता का माहौल गांधी जी ने बनाया था। आगे हम लोग देखते हैं,
बच्चों, पाठ का सारांश हम लेते हैं कि आज हम लोगों ने क्या क्या सीखा। जैसे आज राष्ट्रवाद कैसे उत्पन्न हुआ, हमने इसके विषय में जाना कि किन किन परिस्थितियों में ब्रिटिश उपनिवेशवाद और जो हमारे धार्मिक सामाजिक आंदोलन थे, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, थियोसॉफिकल समाज जैसे चर्चा जो हमने की, उन सब का योगदान था जिन्होंने हमारे अंदर राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न की। बच्चों, प्रथम विश्व युद्ध के जो प्रभाव पड़े हमारे जीवन पर, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, उनका भी हमने अध्ययन किया। गांधी जी के जो नवीन प्रयोग थे, सत्याग्रह, हमने उसको समझा कि सत्याग्रह क्या होता है, सत्य के प्रति आग्रह और बिना हिंसा के, उसी को सत्याग्रह कहा जाता है, इसके विषय में हमने जाना। गांधी जी द्वारा भारत में चलाए गए जो विभिन्न आंदोलन थे उनके विषय में हमने अध्ययन किया, आपको बताया, चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन और खिलाफत आंदोलन में भी गांधी जी ने सहयोग दिया। बच्चों, खिलाफत आंदोलन के महत्व को हमने समझा कि कैसे खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ और अंत में कैसे वो जो है हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक बना। और रौलट अधिनियम के विषय में हमने जाना कि रौलट अधिनियम एक ऐसा काला कानून था जिसे बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून कहा गया, जिसमें जिसका पूर्ण रूप से संपूर्ण भारत में विरोध हुआ और जिसका नेतृत्व गांधी जी ने किया। आज का बच्चों जो गृह कार्य है वह हम आपको दे रहे हैं कि प्रथम विश्व युद्ध का भारत की आर्थिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ा, आपको इसे करना है। दूसरा है, गांधी जी के सत्याग्रह से आपने क्या सीखा, आपको इसको भी हल करना है। खिलाफत आंदोलन को प्रारंभ करने वाले कौन कौन लोग थे, हमने आपको पढ़ाया है, आपको स्वयं करना है। रौलट अधिनियम कानून को काला कानून की संज्ञा क्यों दी गई, आपको इसे भी हल करना है।